सब्सक्राइब करें चैनल श्रद्धा DIY और बेल बटन दबाएं ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। हेलो एंड वेलकम टू श्रद्धा DIY। इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ बॉटल साफ करने के कुछ क्लीनिंग टिप्स। तो जब हम नया बॉटल खरीदते हैं, मैं स्पेशली प्लास्टिक के बॉटल्स की बात कर रही हूँ, तो वो कुछ इस तरीके से होता है। बहुत ही फ्रेश दिखता है और पानी पीने में भी स्वाद जो है काफ़ी अच्छा आता है। और कुछ दिनों बाद जो है प्लास्टिक की बॉटल्स कुछ इस तरीके से हो जाते हैं, स्पेशली अगर हम इन्हें रेगुलरली जो है अच्छे से साफ ना करें। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे बोलना चाहूँगी कि किसी भी तरह का प्लास्टिक के बॉटल होते हैं जैसे इस तरीके से हो गया, ये सिर्फ वन टाइम यूज़ के लिए होता है, इन्हें यूज़ ना करें। प्लास्टिक जो है BPA फ्री अगर हो तो वो बेटर है, और ज़्यादा बेहतर है कि हम स्टील के बॉटल्स में या ग्लास के बॉटल्स में अपना जो है किसी भी तरह का बेवरेज रखें, जैसे दूध मट्ठा वगैरह है। क्योंकि प्लास्टिक कितने भी अच्छे क्यों ना हो, वो अपने साथ टॉक्सिन्स जो है वो ज़रूर लेके आते हैं। ये हम रफ यूज़ के लिए अगर लाएं तो बेटर है। तो चलिए जो पहला टिप है मैं शुरू करती हूँ। तो इसके लिए मैं सबसे पहले ले रही हूँ 1 चम्मच जो है मैं नमक ले लूँगी, और थोड़ा सा मैंने इसे पानी ले लिया हुआ है बॉटल में, और इसमें मैं आधा जो है वो नींबू डालूंगी, और इन दोनों को डाल के हम अच्छे से जो है इसे मिक्स कर लेंगे, अच्छे से शेक कर लेंगे। और मैं इस तरीके से शेक करके इसे जो है 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी अच्छे से शेक करके। तो इसे वॉश करना मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, पहले मैं आपके साथ कुछ टिप शेयर कर रही हूँ। और जो दूसरा टिप है वो है न्यूज़पेपर, जो ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है, जैसे कोई भी बुरा स्मेल होता है वो सब चले जाते हैं इससे। तो इस बॉटल में मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, और मैं थोड़ा डालूंगी ये जो पेपर है जो मैंने फोल्ड कर लिया है, सिंपल पेपर, इसमें डाल दूंगी। और इसे आप छोड़ दीजिए जितना भी आपको टाइम लगता है, 1 घंटा 2 घंटा आप छोड़ दीजिए। इससे बहुत ही अच्छे से जो है बॉटल साफ हो जाते हैं और जो स्मेल वगैरह है वो सब चले जाते हैं। तीसरा जो तरीका है, मैं ये स्टील बॉटल में शो कर रही हूँ, आप प्लास्टिक में किसी भी बॉटल में आप डाल सकते हैं, आपको जो भी साफ करना हो। उसके लिए मैं 1/2 चम्मच ले रही हूँ बेकिंग सोडा, और इसमें आप पानी डाल लीजिए थोड़ा सा, और इसमें हम डालेंगे सिरका, वाइट विनेगर, ये मैं 2 चम्मच डालूँगी। डिपेंड करता है कि आपने क्या रखा हुआ था, जैसे कि मैंने इसमें मट्ठा रखा हुआ था तो जो है ऑयलीनेस होता है, स्टिकी होता है वो, तो उसकी वजह से मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ, आप 1 भी डाल सकते हैं। और इसे मैं अच्छे से शेक कर लूँगी, और इसे भी मैं कुछ टाइम के लिए रख दूँगी। तो चौथा टिप है वो, अगर आप स्टील के बॉटल के लिए कर रहे हैं, थोड़ा सा आप गर्म पानी ले लीजिए, और जो प्लास्टिक के बॉटल्स हैं उसमें ज़्यादा गर्म पानी मत डालिए, उसमें थोड़ा ही हल्का पानी डालें। और अब मैं इसमें डालूँगी 1/2 जो है नींबू, अगर आपने दूध रखा है, डिपेंड करता है आपका आपके अंदर रखा क्या हुआ है। और जो है मैं डालूंगी थोड़ा सा, इसे मैं डालूंगी विम जेल, बहुत ही थोड़ा, जैसे 1/2 स्पून से भी बहुत ही कम आप ले सकते हैं। और इसे भी आप अच्छे से शेक कर लीजिए, और इसे मैं रख दूंगी। चारों बॉटल्स को है जो है साफ करना शुरू करते हैं। तो ये सब जो पहला वाला है नींबू और नमक वाला, तो इसके लिए आप इस तरीके से जो है बॉटल साफ करने का जो आता है उसे आप अच्छे से साफ कर सकते हैं। और इसे साफ करने के बाद हमें क्या करना है, जितना टाइम आपको लग रहा है 5 से 10 मिनट आप साफ कर लीजिए। और इसके बाद जो आखिरी वॉश है हम जो है विम जेल से देंगे, थोड़ा सा हम डाल के, क्योंकि बॉटल साफ करने के लिए हम नॉर्मली ये यूज़ में लाते ही हैं, तो इसके बाद हम सारे बॉटल्स के लिए हम यही करेंगे। जो स्टील बॉटल्स के हैं वो सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो भी आप कर रहे हैं उसके बाद जो है आप गर्म पानी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो प्लास्टिक के बॉटल्स होते हैं उनमें आप नहीं कर सकते हैं। तो इनके लिए जो टिप्स है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा आपके लिए। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से साफ कर लिया हुआ है, और इसमें बिल्कुल भी कोई स्मेल नहीं है, कोई ऑडर नहीं है, और बहुत ही केमिकल फ्री है ये, आप घर पे बहुत ही अच्छे से साफ कर सकते हो। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।